लूट की घटना को अंजाम देने से पहले लुटेरों को किया गिरफ्तार। जुर्म जरायम लूटपाट क्षेत्र अधिकारी महोदय के निर्देशन पर पुलिस टीम के जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लुटेरे भूरा रानी रोड पर लूट की योजना बना रहे हैं, जिनके पास खतरनाक असलाह भी है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी सूचना पर पुलिस टीम द्वारा भूरा रानी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग से आगे चार दीवार के पास लूट की योजना बनाते तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किए, जिनके पास से दो तमचा, दो करतूस और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं, पहले भी यूपी में लूट की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं जिनके घर में इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना था वह एकांत में है और घर में एक महिला और एक पुरुष रहते हैं जो कि अत्यधिक वृद्ध है। वहीं घटना घटित करने से पहले ही इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 398 IPC 25 आर्म्स के तहत कोतवाली में पंजीकृत किया गया, जिसका SSP कार्यालय में SSP महोदय द्वारा खुलासा किया गया। पेश है उत्तराखंड के संवाददाता अर्जुन कुमार की खास रिपोर्ट। भूरा रानी में एक वृद्ध दंपति के घर पर लूट करने का इरादे से आज तीन लोग पकड़े गए हैं। मुखबिर की सूचना मिली थी कि ये लोग लूट का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने वृद्ध दंपति का घर का रेकी भी कर लिए और रेकी करने के बाद वो उस वारदात को अंजाम देने वाले। मुखबिर की सूचना के अनुसार पहले ही उनको पकड़ लिया गया। तीन लोग गिरफ्तार हुए, तीनों के पास से हथियार, तमंचे तथा ये भी बरामद हुआ, चाकू भी बरामद हुआ। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास भी रहा, तो इनको सुसंगत धाराओं में चालान कर उनको जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सूचना हमें जल्दी मिल गई, समय से मिल गई, उसके पहले ये लोग पकड़े गए।